नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। पुणे के एक किसान परिवार को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार किसी को दिल्ली के लुटियन जोन में जमीन लेकर उसके बदले उसे मेरठ में जमीन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने की चेतावनी दी। जस्टिस बी आर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, शायद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव काफी समय से दिल्ली नहीं आए, उन्हें यहाँ बुलाना पड़ सकता है। सरकार ने लगभग 37 करोड़ रुपया मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन जमीन पर 60 साल से सरकार के कब्जे और उसकी मौजूदा कीमत को देखते हुए कोर्ट ने इसे नाकाफी कहा। आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रभावित परिवार को नई जमीन देने की पेशकश की गई, लेकिन जज ने निर्देश दिया कि संबंधित कलेक्टर प्रभावित परिवार और उसके वकील को प्रस्तावित जमीन दिखाएं। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उन्हें जमीन मिलेगी या बाजार कीमत पर मुआवजा मिलेगा। पुणे के बहिरथ परिवार से 1961 में 24 एकड़ जमीन ली गई थी, उसके बाद तब उन्हें जमीन दी गई, लेकिन बाद में उसे वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उनकी मूल जमीन भी रक्षा मंत्रालय से जुड़ चुकी है। ऐसे में परिवार लंबे समय से मुआवजे की मांग कर रहा है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस रवैये पर नाराज है। पिछली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ता को जमीन देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस हलफनामे की भाषा ने जज को और नाराज कर दिया। इसमें जनहित और संवैधानिक नैतिकता जैसी बातों का हवाला दिया गया। बेंच ने तल्ख लहजे में कहा, आपका धन्यवाद है कि आपने हमें संवैधानिक नैतिकता की याद दिलाई। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर मामले का संतोषजनक समाधान नहीं निकलेगा तो हम इस परिवार से ली गई जमीन पर मौजूदा हर ढांचे को गिराकर उन्हें जमीन वापस करने का आदेश दे देंगे। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के जवाब को अवमानना भरा कहा। कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर हलफनामे पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 सितम्बर को होगी।